अभिनेता इरफान खान का मुंबई में एक अस्पताल में आज निधन हो गया। वह 54 साल के थे और लंबे समय से एक दुर्लभ किस्म के कैंसर से जंग लड़ रहे थे। इरफान को 2018 में न्यूरोन क्लोराइन ट्यूमर हुआ था। उनके परिवार में पत्नी सुतापा और दो बेटे बाबिल और अयान हैं। इरफान खान के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई राजनेताओं ने शोक व्यक्त किया है। इरफान खान का निधन सिनेमा के लिए एक क्षति है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि इरफान खान का निधन सिनेमा और रंगमंच की दुनिया के लिए एक क्षति है। उन्हें विभिन्न माध्यमों के उनके बहुमुखी प्रदर्शन के लिए याद किया जाएगा। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के साथ है। उनकी आत्मा को शांति मिले। वह एक ऐसे बहुमुखी प्रतिभा अभिनेता थे जिनकी कला ने वैश्विक ख्याति और पहचान अर्जित की थी। इरफान हमारे फिल्म उद्योग के लिए एक संपत्ति थे। राष्ट्र ने एक असाधारण अभिनेता और एक दयालु आत्मा को खो दिया है। उनके परिवार और चाहने वालों के प्रति मेरा संवेदना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी फिल्म अभिनेता इरफान खान के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्हें ट्वीट किया कि इरफान खान के निधन के बारे में सुनकर मुझे दुख हुआ। वे एक बहुमुखी और प्रतिभाशाली अभिनेता थे। वे वैश्विक फिल्म और टीवी मंच पर एक लोकप्रिय भारतीय ब्रांड एम्बेसडर भी थे। उन्हें बहुत याद किया जाएगा। उनके निधन पर बॉलीवुड में हरकंप मच गया है। अमिताभ बच्चन ने इरफान को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, अभी इरफान खान के निधन की खबर मिल रही है। ये सबसे परेशान करने वाली और दुखद खबर है। एक अविश्वसनीय प्रतिभा, एक महान सहयोगी, सिनेमा की दुनिया के लिए एक शानदार योगदानकर्ता ने हमें बहुत जल्दी छोड़ दिया।